प्रीतमगढ़ के राजा खड़क सिंह कान के कच्चे थे और किसी के बहकावे में जल्द आ जाते थे। उसका अपना कोई विचार नहीं होता था, इसलिए उसके फैसले उसके चाटुकार द्वारा प्रभावित हो जाते थे। उसी राज्य में एक बुद्धिमान किसान रतन रहता था। एक बार प्रीतम नगर में भयंकर अकाल पड़ा। राज्य में लोग एक एक दाने के लिए तरस रहे थे। मंत्री जी, राज्य में ये अकाल कब खत्म होगा? महाराज, जब राज्य में बारिश होगी तो ये अकाल खत्म हो जाएगा। और बारिश कब होगी? पता नहीं महाराज, हो सकता है 2 से 3 दिन में, हो सकता है महीनों सालों बाद। ओह, हमारे राजमहल में कितने दिनों के लिए अनाज होगा? 2 साल। सिर्फ 2 साल? इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए सरासर किसान दोषी है महाराज। किसानों का ही काम है अनाज को खेत में उपजाना और हमें उपलब्ध कराना। तब हमें क्या करना चाहिए? महाराज, हमें किसानों से 2-2 बोरा अनाज लेकर अपने राजमहल के लिए 10 वर्ष का अनाज भंडार में संग्रह कर लेना चाहिए। लेकिन वो किसान बेचारे कहाँ से लाएंगे अनाज? उनके यहाँ भी तो अकाल पड़ा है। महाराज, अनाज उगाना किसानों का काम है, अगर वो नहीं देंगे तो और कौन देगा? ठीक है, तो ऐलान कर दो कि प्रत्येक किसान 2-2 बोरे अनाज राजमहल के लिए निकाल कर रख दे। हमें कम से कम 10 साल का अनाज राजमहल के लिए चाहिए। दूसरे दिन सुबह सुबह राजा खड़क सिंह का फरमान पूरे राज्य में राजकर्मी द्वारा सुनाया जाता है। पिताजी, पिताजी कहाँ हो? ले देकर हमारे पास 2 बोरे अनाज ही है, वो भी राजा को दे देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। पता नहीं बेटा, ये अकाल हमें और क्या क्या दिखाएगा। एक तरफ प्रजा एक एक दाने के लिए तरस रही है, तो दूसरी तरफ राजा की ओर से बेवकूफी भरा फरमान आ रहा है। सरपंच जी, आपने सुना राजा का फरमान, आप ही हमारी बातों को समझ सकते हैं। एक तो अकाल ऐसे ही हमारी कमर तोड़ चुका है, ऊपर से राजा का ये फरमान, कहां से लाएंगे 2 बोरा अनाज गरीब किसान। मुझे अच्छी तरह पता है अपने गांव की स्थिति, मैं खुद परेशान हूं कि क्या किया जाए। जब जब हमारे गांव पर संकट आया है, तब तब रतन ने हमें उससे उबारा है। आओ चलते हैं रतन के पास। रतन, ओ रतन, अरे बाहर निकल भाई, अरे गांव पर इतनी बड़ी समस्या आई हुई है और तू घर में बैठा है। राम राम सरपंच जी, अभी बंकू से मेरी राजा के फरमान पर ही बात हो रही थी। तो इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए भाई? ये फरमान राजा का नहीं बल्कि उनके चाटुकारों का है, हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। अब लेकिन हम ऊंचे पदों पर बैठे मंत्रियों को कैसे सबक सिखाएंगे भाई, है? हमारी बात राजा क्यों सुनेंगे? सरपंच जी, आप राज सैनिकों को बोल दीजिए कि रतन राजमहल के लिए किसी को अनाज नहीं देने जा रहा है। सैनिक रतन और सरपंच को राजा का हुक्म न मानने के कारण राज दरबार में राजा के सामने पेश करते हैं। इन दोनों को क्यों लाया गया है यहाँ? महाराज, इन्होंने 2 बोरा अनाज न खुद दिया है और न ही गांव वालों को देने दिया है। अच्छा, क्यों जी? तुम लोगों ने अनाज देने से मना क्यों किया और गांव वालों को क्यों भड़काया? अनाज उपलब्ध कराना तुम किसानों का ही काम है, फिर भी तुमने लोगों को भड़काया, ये तो राजद्रोह है। इसके लिए तुम दोनों को फांसी हो सकती है। सरपंच मन ही मन सोचता है, रतन पर विश्वास कर अनाज देने से मना किया, आज फांसी तय है। वो रतन की ओर देखता है। महाराज, हमारे गांव से पानी सहित बादलों की चोरी हो गई है, इसलिए हम लोग अनाज देने में असमर्थ हैं। बादलों की चोरी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए तो मंत्री जी जिम्मेदार है महाराज। नहरों कुएं द्वारा हमारे खेतों में पानी पहुंचाना और हमारी रक्षा करना तो राज्य प्रशासन का काम है महाराज, और राज्य के प्रशासन की जिम्मेदारी मंत्री जी का काम है। क्यों मंत्री जी,
आपके रहते बादलों की चोरी कैसे हो गई? महाराज, बादलों का आना जाना तो एक प्राकृतिक मामला है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? महाराज, अपने पड़ोसी राज्य में जहाँ के मंत्री जी हमारे मंत्री जी का खास मित्र है, वहाँ अच्छी बारिश हुई है। मंत्री जी, कहीं आपने अपने मित्र को मदद तो नहीं पहुँचाई? 2 दिनों के अंदर इनके गांव में पानी भरा बादल पहुँच जाना चाहिए, नहीं तो आपको सजा दी जाएगी। तुम दोनों जा सकते हो। 2 दिनों के अंदर अगर तुम लोगों के गांव में पानी लेकर बादल नहीं पहुंचा तो आकर मुझे बताना। मैं चला था दूसरों पर ठीक रहा फोड़ने, उल्टा मुझ पर ही फूट गया। ये किसान मुझे कहाँ फंसा के चले गए? रतन और हुकुम चंद लौट कर अपने गांव आ जाते हैं। गांव वाले सब खुशी से झूम उठते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह मंत्री देव सिंह रतन के घर पहुंचते हैं। रतन, अरे भाई रतन, जरा बाहर आना, कहाँ फंसा कर रख दिया तूने? पिताजी, पिताजी, बाहर बहुत से सैनिकों के साथ मंत्री जी आए हुए हैं और आपका नाम लेकर घर से बाहर बुला रहे हैं। ठीक है, जाकर उसे कह दो कि पिताजी खाना खाकर आराम कर रहे हैं, 1 घंटे बाद मिलेंगे। कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। इधर गांव में सैनिकों के साथ मंत्री जी के आने की खबर तेजी से फैल जाती है। सरपंच हुकुम चंद डरे सहमे से दौड़े दौड़े आते हैं। प्रणाम महाराज, आप खुद सुबह सुबह हमारे गांव पधारे, कोई बात हो गई क्या? अरे हमें बुला लिया होता। अरे सरपंच जी, वो क्या है कि मुझे आप लोगों से ही मिलना था, तो सोचा कि चलकर खुद मिल लूं। रतन के बेटे ने बताया कि रतन खाकर आराम कर रहा है, 1 घंटे बाद आएगा, बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे गांव वालों, अपने अपने घर से जरा खटिया लाना, मैं अभी रतन को अंदर से बुला कर लाता हूँ। अरे रतन, बाहर मंत्री जी सैनिकों के साथ इंतजार कर रहे हैं और तू यहाँ पर आराम से बैठा है। चल बाहर, जल्दी चल, पता नहीं सुबह सुबह ये लोग क्यों आए हैं। सरपंच जी, जब मंत्री जी को खुद की गर्दन रस्सी में फंसी दिखाई दी तो दौड़े दौड़े हमारे गांव आए हैं, नहीं तो मैंने अपने जीवन में आज तक मंत्री जी को इस गाँव में नहीं देखा। कुछ भी हो, वो हमारे मंत्री है, हमें उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। चलो बाहर चलते हैं। प्रणाम मंत्री जी, मुझ गरीब की कुटिया पर कैसे आना हुआ? सब कुशल क्षेम तो है ना? भाई तू तो समझदार है, है? तू जानता है कि बादलों की चोरी नहीं हो सकती, बादल प्राकृतिक रूप से विचरण करते हैं। फिर तूने उसकी चोरी होने की खबर क्यों राजा को बताई और उसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? ठीक वैसे ही आप बादल के लिए जिम्मेदार हो जिस प्रकार हम किसान अनाज के लिए जिम्मेदार हैं। शासक का काम है कहीं से भी सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है भाई, मैं अपनी गलती मानता हूँ, अब क्या करें ये बताओ। अगर 2 दिनों के अंदर बादल आकाश में नहीं छाया तो मुझे फांसी या आजीवन कारावास हो जाएगा। देखो मंत्री जी, 3 से 4 महीने में बारिश होनी ही है, अगर नहीं भी हुई तो यहाँ से 40 कोस दूर जो झील है उससे 3 महीने में हम सभी मिलकर नहर खोद कर पानी ले आएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारी क्या योजना है? राजा ने हमें 2 दिन का समय दिया है, फिर 3-4 महीने का समय कहाँ से आएगा? ऊपर से अकाल से त्रस्त किसान और जनता के पास खाने को कुछ नहीं है, तो फिर ये नहर खोदने का काम कैसे करेंगे? राजा से बोल दीजिएगा कि बादलों के राजा से आपकी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अगर तुम लोग जनता को 4 महीने खाना और मजदूरी दोगे तो 4थे महीने तुम्हारे खेतों में पानी की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन इन 4 महीनों में अगर बारिश नहीं हुई तो फिर क्या होगा? 4 महीने अगर सारी जनता को खाना और काम मिल जाए तो 4 महीने काफी हैं 40 कोस से नहर खोदकर खेतों में पानी को लाने के लिए, और ये काम अकाल को हमारे राज्य से सदा के लिए भगा देगा। समझ गया, राजमहल में पूरी जनता के लिए कम से कम 6 महीने का अनाज संग्रहित है। मैं अभी तुरंत जाकर महाराज के सामने ये विचार रखता हूँ। मंत्री देव सिंह राजा के पास जाकर उन्हें बताता है। महाराज, हमारी बादल के राजा से बात हो चुकी है और वो 3 से 4 महीने में हमारे यहाँ पहुँचने वाले हैं। लेकिन शर्त ये है कि इन 3-4 महीनों में जनता के लिए काम और अनाज दोनों मुहैया कराने होंगे। ठीक है, 4 महीनों के लिए
राज भंडार खोल दो, बदले में जनता को कोई काम पर लगवा दो। मंत्री देव सिंह राजा के आदेश का पालन करते हुए जनता को राशन मुहैया कराने के साथ साथ उन्हें नहर खोदने के काम में लगा देता है। लेकिन डाकू चंपत सिंह अपने साथी जगीरा के साथ जनता के राशन को बीच में ही लूट लेता है। लोगों में हाहाकार मच जाता है। सरपंच जी, अब क्या होगा? कितनी मेहनत से रतन ने अकाल के समय प्रजा को काम और राशन दोनों दिलवाया था, लेकिन चंपत सिंह के गिरोह ने सब गड़बड़ कर दिया। जनता ने काम करने से मना कर दिया है। हाँ पंडित जी, मुझे भी यही चिंता सता रही है। सारे लोग कह रहे हैं कि जब बच्चे घर में भूखे होंगे तो हम बाहर निकलकर काम कैसे करेंगे। हाँ, अब तो बस रतन का ही सहारा है, वही कोई उपाय बताएगा। ठीक कह रहे हो, चलो रतन के पास ही चलते हैं। दोनों रतन के पास पहुँचते हैं। वहाँ पर देव सिंह भी हाँफते हुए पहुँचता है। रतन, अब क्या होगा? सारा काम ठप हो गया है। मैंने राजा से कहकर प्रजा के लिए राशन भी राज भंडार से भिजवा दिया, लेकिन बीच में ही डाकू चंपत सिंह को इसकी भनक लग गई और उसने सारा अनाज लूट लिया। चंपत सिंह का कोई जासूस जरूर राज दरबार में है, तभी उसे बैलगाड़ियों में राशन होने की जानकारी लगी। हो सकता है, लेकिन वो बाद में जांच का विषय है। अभी क्या करना है? अगर 4 महीने के अंदर नहर का पानी खेत में नहीं आया तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे, क्योंकि अनाज का भंडार भी राजमहल में खाली हो चुका होगा। ठीक है, तो आप ये खबर फैला दीजिए कि झील से खेतों के बीच किसी भी जगह सोने का बहुत बड़ा खजाना है, जो भी खोजेगा उसे आधा खजाना दे दिया जाएगा। देव सिंह ठीक वैसा ही करता है। जल्दी ही ये खबर डाकुओं के सरदार चंपत सिंह तक पहुंच जाती है। सुना सरदार, झील और खेतों के बीच बहुत बड़ा खजाना है। लेकिन झील और खेतों के बीच 40 कोस की दूरी है, इतने बड़े क्षेत्र में खोजने में कम से कम 100 साल लगेंगे। क्यों ना हम लूटे गए राशन को जनता को लौटा दें, ताकि वो काम पर लग जाए, और जब खजाना निकलेगा तो फिर हम खजाने को लूट लेंगे। वाह जगीरा, शाबाश, ऐसे ही नहीं तुम मेरे खास आदमी हो। आज रात सारा अनाज गांव के पास जाकर रख दो। सुबह सुबह लोग खेतों में अनाज को देख खुशी से झूम उठते हैं और सब मिलकर काम पर लग जाते हैं। हुकुम चंद, ज्ञान चंद और रतन तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। 4 महीने बाद नहर में पानी आ जाता है और हर खेत में फसल लहलहा उठती है। क्यों मंत्री जी, 4 महीने हो गए लेकिन ना ही आपके पानी वाले बादल आए और ना ही झील से खेतों के बीच कोई खजाना ही मिला। महाराज, खेतों में बादलों से पानी चाहिए था, जो अब नहर के द्वारा पहुँच रहा है। और रही बात खजाने की, तो सारे खेतों में सोने जैसी फसल लहलहा रही है। हमने मुफ्त में किसी को अनाज भी नहीं दिया और न ही नहर के लिए कोई विशेष धनराशि को लगाया, और अकाल से भी छुटकारा पा लिया महाराज। वाह मंत्री जी वाह, आपके इस कार्य की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। आपके इस महान कार्य के लिए हम आपको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में देने की घोषणा करते हैं। महाराज की जय हो। इस कार्य का असली हकदार मैं नहीं, बल्कि गांव से आया हुआ बुद्धिमान किसान रतन है, जिसने अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर बिना किसी अतिरिक्त धनराशि खर्च किए अकाल से पूरे प्रजा को निकाल कर हमेशा के लिए छुटकारा दिला दिया महाराज। राजा खड़क सिंह गांव में जाकर रतन किसान को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देते हैं।